हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कलरफुल चिप्स फ्राइम। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लेने हैं रात के बचे हुए चावल। तो चलिए देखिए, ये हमने लिए हैं रात के बचे हुए चावल। आप देख सकते हैं, ये हमने रात को जो बच जाते हैं ना, वही चावल लिए हैं। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप चावल की जगह साबुदाने को भिगो सकते हैं। तो एक कटोरी आप इसकी जगह साबुदाने को शाम को भिगो दें। अगर सुबह आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो इसी प्रोसेस से आप साबुदाने से भी ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिया ये मिक्सी का जार। अब इसमें डाल देते हैं हम चावल। तो ये देखिए, यहाँ हमने मिक्सी के जार में चावल को डाल दिया है। अब क्या करना है, इसको हमें पीस लेना है। तो पहले हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले हमको इसी ऐसे इसको पीस ले पहले हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही पीस लेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अब इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं, पीसने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमने देखिए पीस लिया है, देख सकते हैं चावल को, देखिए बिल्कुल बारीक तरीके से हमें पीसना है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से आपको भी इस रेसिपी के लिए चावल को पीस करके तैयार करना है। तो बिल्कुल नई रेसिपी है, एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लेना तो हमेशा इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, चावल का बैटर को हमने तीन बर्तन में निकाल लिया है। तो एक को हम रख देंगे साइड में, इसमें हमें कोई भी कलर वगैरह नहीं मिलाना है। और दो में हम कलर मिला लेते हैं। तो कलर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा इसमें हम कलर थोड़ा सा हम इसमें कलर ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है, और इसमें भी हम थोड़ा कलर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ क्या करना है, इनको हमें अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ देखिए, कलर को हमने मिला लिया है। तो देख सकते हैं हमने दोनों कलर को मिला लिया, और यहाँ इसमें हमने कलर नहीं ऐड किया। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिए दूध वाली, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिए दूध वाली ये पॉलिथीन। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं बैटर को। तो पहले हम इसमें डालेंगे ये सफ़ेद वाला बैटर, जिसमें हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। उसके बाद हम इस सारे बैटर को डाल करके तैयार कर लेते हैं।
देख सकते हैं तीनों पैकेट हमने यहाँ तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यह इसके ऊपर हम यहाँ बना रहे हैं पॉलिथीन के ऊपर। तो हमने एक छोटी कट्टी ली है। यहाँ क्या करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। यह देखिए हमने तेल लगा लिया, चलिए अब बना लेते हैं। तो यहाँ इसके हम यहाँ छोटा सा एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसमें एक कट लगा लिया, चलिए अब बना लेते हैं। देखिए पहले हमें इसको गोल गोल बनाना, उसके बाद इस तरीके से हमें इसकी डिजाइन बनाना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप इसकी डिजाइन बना करके तैयार कर सकते हैं। डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप इससे भी अच्छी डिजाइन बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमने यह बिल्कुल सिंपल सी ये डिजाइन बना करके तैयार की है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसको हम बना लेंगे येल्लो कलर वाले। तो यहाँ आप चाहे तो इसको इमरती डिजाइन में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। आपने देखा कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इस तरीके से सारी रेसिपी बना करके तैयार कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये डिजाइन बन करके तैयार हुई है, कलरफुल। तो यहाँ देखिए हमने इसी तरीके से सारी डिजाइन बना करके तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इससे भी अच्छी डिजाइन बना करके तैयार कर सकते हैं, एक बार जरूर से बना करके ट्राई करना। होली आ रही है तो होली पर पापड़ कुरकुरे चिप्स की रेसिपी जरूर बनाई जाती है। तो आप भी एक बार इस तरीके से जरूर से बना करके ट्राई करना। तो यहाँ देखिए हमने सारी रेसिपी बनाने के बाद में हमें क्या करना है, इसको 2 से 3 दिन की धूप में सुखा देना है। सुखाने के बाद में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके बाद का वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि उसको सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं।